दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, हर कोई मोदी मोदी कर रहा है। ह्यूस्टन के मेगा शो ने पीएम मोदी की शान में चार चांद लगा दिए हैं। जानदार कार्यक्रम, शानदार भाषण और हर कोई हो गया मोदी का मुरीद। लेकिन भाषण की एक लाइन पर हो गया बवाल, जब मोदी बोले अब की बार ट्रंप सरकार। बस कांग्रेस सहित तमाम विरोधियों के निशाने पर आ गए पीएम मोदी। सीएम गहलोत ने भी पीएम मोदी के इस बयान को गलत करार दिया और कहा कि दूसरे देश के व्यक्ति का प्रचार करना गलत है, और ऐसा करके पीएम मोदी ने विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का मानना है कि मोदी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर बवाल हो, पीएम मोदी ने तो देश का मान बढ़ाया है। खैर, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी के इस नारे ने देश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है, यानी उठ रहे हैं सोच पर सवाल और प्रचार पर खड़ा हो गया है बवाल। अब की बार ट्रंप सरकार। तो भाई ये तो इतना बड़ा मुद्दा है जो पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है उसकी। हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नहीं, और हिंदुस्तान अब दुनिया का नेता है। ये भारतीयों की ताकत का परिचय है कि ट्रंप ने भी अमेरिका जैसे देश में लाखों भारतीयों की ताकत को पहचाना। और ह्यूस्टन में मोदी ने प्रचार किया। आखिर क्यों कहा आपकी बात ट्रंप सरकार? सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर उठाया सवाल, विदेश नीति का क्यों आया नहीं ख्याल? एक पीएम का विदेश में किसी एक नेता का चुनाव प्रचार करना कितना जायज है? क्या पीएम मोदी अमेरिका में ट्रंप का प्रचार करके एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी, कांग्रेस समर्थक नौरथ गुर्जर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मुकेश दाधीच जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव है, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। मदन दिलावर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्या एक पीएम का विदेश कर किसी नेता के लिए प्रचार करना गलत है? मैं समझता हूं इसको प्रचार नहीं कहते हैं। ये तो लोग जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो भारत का जो सम्मान बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, उससे चिढ़े हुए हैं। इनको कष्ट इस बात का है कि मोदी जैसे व्यक्ति ने और धारा 370 को क्यों समाप्त कर दिया। इनके मन की जो पीड़ा थी अभी निकली नहीं है, इसलिए जो भारत के बढ़ते हुए मान और सम्मान को पचा नहीं पा रहे हैं। भारत का जो लगातार विश्व में सम्मान बढ़ रहा है, इससे विरोधी लोग बौखलाए हुए हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है। नौरथ गुर्जर जी, क्या पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार कहकर गलती कर दी है? क्योंकि अब इसे विपक्ष के तौर पर मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल गलती करिए किसी देश के प्रधानमंत्री जी, जो पूरे, क्योंकि देखिए मोदी जी पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक कोई देश के प्रधानमंत्री जी जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार बोले, वो विदेश के प्रधान जो हमारे अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, उनके लिए ये कहना कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये बिल्कुल गलत है। इसकी पूरे विश्व के अंदर जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। अरे ये हिंदुस्तान के एक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, ये ऐसी विदेश नीति कभी 70 साल के इतिहास में कांग्रेस के में आज तक हमारे देश की ऐसी नीति नहीं रही है कि कोई देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जाकर के, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो जाकर के दूसरे देश में ये बोले कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए बाकी देश भक्ति के अंदर। मुकेश दादी जी, आपने बात सुनी, पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार कहकर चुनाव प्रचार नहीं किया, तो क्या किया, किस तरह से बीजेपी? देखिए, क्योंकि अब ये मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं इसको लेकर कई ट्वीट भी हुए हैं। अनावश्यक विषयों को कांग्रेस कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है, और इस लहजे से कहना चाहता हूँ ये बात कि आप इतिहास देखिए, वो अमेरिका जो कभी मोदी को वीजा नहीं देता था, वो पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी का स्वागत कर रहे, अभिनंदन कर रहे हैं, और लाखों लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, और इस बीच में वहाँ कोई अभी अमेरिका में कोई चुनाव नहीं है, तुरंत कोई चुनाव हो नहीं रहा, और वहाँ पर अगर मोदी जी ट्रंप को एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रंप सरकार, तो ट्रंप की सरकार तो है ही वहां अभी, उसमें कौन सी नई बात कह दी? मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों की हालत इस समय वही हो रही है, कांग्रेस की हालत वही हो रही है।
कि घर में नहीं है चने और मम्मा चली बुनाने, ये अपने यहाँ अपने राजस्थान की स्थिति को तो देख नहीं रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा समय आप यहीं लगा दीजिए, किस प्रकार से राजस्थान जल रहा है आपके सामने हो रहा है। आज भी कोटा में कैसे अपराधियों ने आतंक मचा, प्रदेश में पूरे में आतंक कहीं ना कहीं मचा हुआ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यानी आपको लगता है कि इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा पे बहस कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो अनावश्यक है, ये आप मान रहे हैं। मानचंद खंडेला जी, विदेश नीति का उल्लंघन किया है, इसे लेकर ट्वीट मुख्यमंत्री ने भी किया है और मुख्यमंत्री भी इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। मानचंद जी, इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे? क्या एक लाइन ये कहना आपकी बार ट्रंप सरकार ये चुनाव प्रचार में ही आएगा, क्या वाकई विदेश नीति का उल्लंघन यहाँ पर किया गया? देखिए, राष्ट्र की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। देखिए, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जब हम विदेश नीति और डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गंभीरता होती है, बहुत ज्यादा दीर्घावधि होती है, बहुत ज्यादा स्वीकार्यता होती है, और उसके बाद में जो कुछ है वो राष्ट्र के लिए और एक तरह से देखा जाए तो वो उसकी परप्यूचुअल कंटिन्यू चलती है। जो भी रीति है, नीति है, सिद्धांत है, मर्यादा है, परंपरा है, सब है, और इनको अचानक अगर मान लो तोड़ा जाता है तो माना जाएगा डिविएशन है। मान लो अगर कोई ये कह रहा है साहब, उसका आलोचना कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं डिविएशन है, और लेकिन डिविएशन करने का कारण क्या है? अब मैं बात जरा दो तीन बातें गंभीरता से आपसे कहना चाह रहा हूं कि हाथ में किस ट्रंप के साथ में हाथ मिलाया, जो आज की तारीख में मेरी दृष्टि में और मेरा एनालिसिस मैं आपको कहूंगा तो बता दूंगा, सबसे कमजोर जो शासनाध्यक्ष है वो ट्रंप है। किस रूप में है? यानी वो साउथ कोरिया, वो नॉर्थ कोरिया के जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बूढ़ा मेरा क्या कर लेगा, ये कहा बिल्कुल, मैं इसलिए जानबूझ के कह रहा हूं, और वो उनसे आधी उम्र का। एक बात, ईरान ने जो है उनके मिसाइल को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद में कहा कि 10 मिनट के बाद में हम युद्ध प्रारंभ कर देंगे, और वो इतने कमजोर साबित हुए कि नहीं कर पाए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चाइना ने आर्टिफिशियल टापू बनाकर अपनी समुद्री सीमा को बढ़ा लिया, और अमेरिका ने कहा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाए। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के संदर्भ में बात करी, अब जो है बातें नहीं, काम करना चाहिए, और काम क्या हुआ? सबसे बड़ा जो पर्यावरण के संबंध में समझौता था उसको एक तरफा तौर पर अमेरिका उससे अलग हो गया। मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो इस तरह का कमजोर। अच्छा, चौथी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है जी। अभी उसके बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में क्या बात करी, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब अफगानिस्तान में जिस तरह से कुछ हो रहा है उसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो ट्रंप ने क्या कहा, आप करिए, यानी मध्यस्थता करिए। उसके पीछे तर्क क्या है उसका, ट्रंप का सोचने का, कि हम अफगानिस्तान में हमारे सैनिकों को निकाल के नहीं लाएंगे तो आने वाला चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। और उसके बाद में किसको कहा, जिसको हम बिल्कुल टुच्चा, मैं जानबूझ के शब्द का काम टुच्चा देश कह रहे हैं, उसको इतना महत्व दिया है ट्रंप ने। और चौथी बात, 5 बार कम से कम बदल चुके हैं ट्रंप कि हम मैं मध्यस्थता करूंगा, नहीं करूंगा। कभी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार का आज तक कार्यक्रम जितने देशों में गए, जिस प्रकार भारतीय लोग उनका सर, ये बिल्कुल मान सम्मान तो देखिए, छिछोरापन है, लेकिन छिछोरापन है। ठीक है, ये आप अपने व्यूज रख रहे हैं सर, ये अपनी बात आप रख रहे हैं। ठीक है, 16,000 बार झूठ बोल चुका। ठीक है, 16,000 लेकिन डॉक्टर संजय माधव एक मिनट सर, डॉक्टर संजय माधव, क्या कभी अमेरिका में, क्या कभी किसी दूसरे देश में आपको इतनी इज्जत मिली क्या? मैडम, जिस तरह से सीवेंट की बात करते हैं, डॉक्टर संजय माधव सर आते हैं। मैं केवल ये कहना चाहूं, उन्होंने क्या कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार को छोड़िए, लेकिन सवाल ये कि आज तक भारत की नीति रही है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की, उसको हम अपना मानते हैं, उसके आधार पर अब क्या रिपब्लिकन जो है वो रूढ़िवादी कहलाते हैं, और ये भी रूढ़िवादी इस तरह से हाथ मिलाया। एक बात और अंतिम बात, डॉक्टर संजय माधव आप जरा जवाब दीजिए, हिंदुस्तान को क्या इतनी इज्जत कभी और मिली है? हम इस तरह से भी तो इसे थोड़ा पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, या आपको भी लगता है कि हाँ ये विदेश नीति का उल्लंघन है, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं कहना चाहिए, इतना समर्थन नहीं देना चाहिए? श्रोता जी, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में पहले से ही बहुत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में और बड़े सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते पूरे देश दुनिया में एक बड़ी प्रतिष्ठा उसकी पहले से है। और निश्चित रूप से जो आपने जो सवाल पूछा है, ये जो मोदी जी का बयान है कल जो उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से एक विचलन है। और वो 24 घंटे वो जो ट्रंप और मोदी जी दोनों ही जो है वो समारोह मूड में रहते हैं, इवेंट की तरह और नारेबाजी के मूड में रहते हैं, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा सीरियसली इस रूप में लेने की बात है। देश की विदेश नीति के साथ में खिलवाड़ करने जैसी बात है। अगर कल को मान लो
हिंदुस्तान के चुनाव से एक साल पहले आकर के रूस का राष्ट्रपति कहे कि अब की बार राहुल सरकार, तो हम हमारे भाजपा वाले साथी क्या कहेंगे, या वो कहे कि अभी चीन का राष्ट्रपति आके शी जिनपिंग यहाँ भाषण दे कि अब की बार कम्युनिस्ट सरकार, तो फिर तब आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? ये इसको सोच के हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये अंधभक्ति का जो दौर है, इसमें बीजेपी वालों को पता नहीं क्या हो गया है, सारे मेरे ख्याल से बुद्धि विवेक सब गिरवी रख दिया है। वाजिब नहीं है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो, विदेश से या दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आके यहाँ पर चुनाव प्रचार करे, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? क्या इसे स्वीकार करेगा कोई? एक मिनट मुकेश जी, ऐसे मत करिए सर, प्लीज प्लीज। शोर मचा, मदन दिलावर जी आपसे जवाब चाहेंगे। ये बैठे हुए लोग कह रहे हैं, बैठे हुए लोग कह रहे हैं, बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि ऐसी नीति कभी भी कांग्रेस की नहीं रही। कांग्रेस की नाम ही नहीं लिया आपने, बैठे हुए कांग्रेस का नाम किसने लिया? मुझे बताइए कांग्रेस का नाम किसने लिया? कांग्रेस परंपराएं परंपराएं कुछ परंपराएं तो टूटनी चाहिए, अच्छी है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है। उन्होंने संवर्धन करने के लिए उनका मानचंद जी, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए लोग कांग्रेस के बारे में, आपने कहा कांग्रेस ये कह रही, हम तो बोल रहे कांग्रेस के बारे में। अभी 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 डॉक्टर संजय माधव ने उदाहरण देकर कहा कि दूसरे देश से आके ये कहे कि अब की बार राहुल सरकार, ये उदाहरण दिया जा रहा था। इसका मतलब कांग्रेस के बारे में ये उदाहरण दिया जा रहा था, तो राहुल गांधी तो कांग्रेस ही हुआ। राहुल किस पे? मदन दिलावर जी, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये लोग तो वह है जिन्होंने चुनाव के समय पाकिस्तान से सहयोग मांगा था, पाकिस्तान में जाकर के कहा था कि हमारा सहयोग कीजिए, और पाकिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के चुनाव में मानचंद जी सुनिए भी, मानचंद जी सुनिए भी सर, सुनिए भी सर, सुनिए भी बात है, मानचंद खेलने के लिए आप, अरे सही बात है साहब, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता या विश्लेषक है? अरे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता है तो बोलिए ना, मैं मना कर रहा हूं, आप कहिए ना, आप कहिए ना, तो क्या क्या कौन मना कर रहा है? ठीक है, आप तथ्य दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मुकेश जी, मुकेश जी, मैं भी तो कहूंगा ना फिर। मुकेश जी एक मिनट, वहाँ उनको पता नहीं कौन बैठा, हालांकि इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं सर। एक मुद्दा है, अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बन गया, इसको लेकर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखने का सभी को है, पार्टी वाले पार्टी से अगर हम बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, अपना अपना मत है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कांग्रेस ही हो गया, सब बीजेपी की तरफ से हो गया, अपना मत रखने की बात यहाँ पर हो रही है। मदन दिलावर जी, क्या ये गलत नहीं होगा कि अगर दूसरे देश, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष देश में आकर हमारे आंतरिक मामलों में, चुनाव में दखल अंदाजी करने लगे, एक दूसरे पार्टी का या कैंडिडेट का प्रचार करने लगे, ऐसा नहीं लग रहा नई नीति की शुरुआत हो रही है अगर इस तरह से होता है तो? पहले मुकेश जी ने पहले ही कहा है कि वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इनको तो जवाब देना चाह रहा हूँ। श्वेता जी एक मिनट सुनिए, चुनाव नहीं हो रहा है, मदन दिलावर जी को ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ ह्यूस्टन में जाकर के ये कहना कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये हमारा देश का कैसे मान बढ़ा, आप मुझे बताइए कि इसमें या वहां पर जाकर के ह्यूस्टन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान दे रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो उसमें हमारे देश का मान घटा है या बढ़ा है?
तो इसमें पूरे देश को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई प्रधानमंत्री जी ऐसे दूसरे देश में जाकर के बयान देता है तो वास्तव में हमारे देश का बहुत अपमान होता है। और जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है हमारे देश के अंदर, ये बहुत गलत हो रही है। और आप देख रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने दिलावर जी से पूछा, दिलावर जी से जवाब लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे देश का अपमान है मदन दिलावर जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अभी वहां कुछ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आम सभा थी सर, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। उत्साहवर्धन करने के लिए हिंदुस्तान के चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए अनेक प्रकार की बातें कही, पाकिस्तान में जाकर का हमारा सहयोग कीजिए और वहां के मुसलमानों को अपील कीजिए कि हमको वोट दें। किसको वोट दीजिए? या तो मानचंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, बात है बोलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस खंडेला जी, मैं बताइए मानचंद खंडेला जी, मैं तो एक प्रवक्ता बोलूंगा, मेरा धर्म बनता है, मैं बोलूंगा। नेता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कल पी चिदंबरम जी से मनमोहन जी सोनिया जी मिलने गए, अरे काशी मेनन की बात कर रहे हो, मैं बात क्या ये देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अगर किसी ऐसे लोगों से मिलने गए जो अपराधी है, दिलावर जी ने कहा कि कोई चुनाव प्रचार नहीं, चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन प्रचार नहीं है, हम इसको किस तरह से मान लेके नहीं है? एक लाइन टैग लाइन, ये बहुत बड़ी बात कह रही है टैग लाइन खुद में। अब की बात, ट्रंप सरकार अमेरिका में है, वो संबोधित कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर है, वो संबोधित कर रहे हैं, अगर ये आवाज उठा रहे तो आप उसमें तथ्यों के साथ सर आप जवाब दीजिए। सॉरी, 50,000 भारतीय नहीं है, वो अमेरिकन है, 50,000 जो भारत में पैदा हुए होंगे वो अमेरिकन है, उनको एनआरआई है, ठीक है, तो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो है सर, इतने लोग हिंदुस्तानी है सर, हिंदुस्तानी कहीं भी रहेगा वो हिंदुस्तानी है, वो अमेरिकन नहीं बन जाएगा, अमेरिकन नहीं बन जाएगा, देशों के नेता थे वो, नहीं ठीक है, आपने देखा नहीं। संजय माधव, क्या इसे बाहरी हस्तक्षेप के तौर पर नहीं देखा जाएगा, या फिर इस तरह से देखे कि ये एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है आने वाले वक्त में, जिस तरह से विदेश नीति को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि विदेश नीति का उल्लंघन हुआ है, अब अगर दूसरा कोई वहां बाहर जाके प्रचार कर रहा है, जिस तरह से अभी आपने कहा दूसरे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आकर प्रचार करेंगे, इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कहलाएगा अगर ऐसा होने लगा भविष्य में? श्वेता जी, बिल्कुल ये इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप है, और निश्चित रूप बाहर के देशों में जो भारतीय रह रहे हैं ये भारतीय बता रहे हैं, भारतीय नहीं है, वो काम करने वहां गए बस गए, उनके हितों के खिलाफ भी है, उनके हितों के खिलाफ भी है, ये उनको भी इस वहां की राजनीति के अंदर एक उनको जो है उनके लिए मुसीबतें पैदा करके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने देश में कहते हैं विदेशियों को भगाएंगे, हम सबको भगाएंगे, और वहां जाकर गर्व करते हैं हमारे इतने लाख भारतीय, अरे आप किस मुंह से उनके लिए गर्व कर रहे हो, अपने देश से भगाने की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान में क्या आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं अगर पीएम ने इस तरह से किया है तो, या फिर आप भी इसे मान रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, एक लाइन भी चुनाव प्रचार ही है? देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार है ये, चुनाव प्रचार दो लोगों ने हाथ जोड़कर केवल चुनाव प्रचार करने के लिए कहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा ना ये बदलाव का संकेत, बदलाव बिल्कुल नहीं है, ये एडहॉक है, ये एडहॉक है, आज हो गया कल नहीं होगा। अब आप सुनिए, एक मिनट, मैंने पहले भी आपसे कहा था,
उन्होंने ट्रंप ने कहा कि हाथ पकड़ के ऊंचा कर रहे थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने क्या कहा कि मोदी बहुत ज्यादा तीव्र बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए 24 घंटे में परिवर्तित हो गया, लेकिन लोगों को वो पसंद आता है। वो साथ में ये भी बोलते हैं कि लोगों को वो पसंद आता है, लोगों ने इसको जवाब दिया। अगली लाइन नहीं बोलेंगे, यहां पर इनको तो इनके इनके कौन सी बात सेट होती है वो बोलने में कहना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, आज अगर मोदी जी विश्व के नेता बने हैं, नहीं बने नेता, नहीं बने, अरे ये कौन बने प्रधानमंत्री मोदी को भी बुला रहे हैं सर, लेकिन डॉक्टर संजय माधव क्या 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 भारतीय होने के नाते डॉक्टर संजय माधव सुनिए डॉक्टर संजय माधव एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने एक मिनट सर बात सुनिए, बात सुनिए डॉक्टर संजय माधव, हम बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी की पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री अगर कहीं बाहर जाकर रिप्रेजेंट करता है तो अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो क्या इस लिहाज से हम देखें, इस चश्मे से हम देखें तो क्या नजर नहीं आता कि गर्व की बात थी भारतीयों के लिए? जी मैं इसी चश्मे से देख के बात कर रहा हूँ। ये मोदी मोदी चिल्ला रहे, मैं मोदी को इसे अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, आज मोदी को वीजा नहीं दिया है। भारत के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जब उसके प्रधानमंत्री चुन लिया देश की जनता ने, तब उसको अमेरिका ने वीजा दिया है। सम्मान उस भारत के प्रधानमंत्री के, इतने लोग भारत के प्रधानमंत्री पद का सम्मान है, मोदी मोदी मत चिल्लाओ, ये भारत भारत का क्या, ये हिंदुस्तान मैं चिल्लाना चाहूंगा, ये भारत जिस विदेश नीति की बात करते हैं, विदेश नीति आपकी कोई विदेश नीति बात कर रहा हूँ, आपकी कोई विदेश नीति नहीं है, आपकी कोई नीति नहीं है, आपके पास नेता नहीं है। मदन जी, मदन जी क्लास कमेंट, मदन दिलावर जी कभी गया नहीं, आप इसे चुनाव प्रचार बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, आपका ये मानना सही है यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर चिंतित हैं, आपको लगता है कि ये गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव प्रचार नहीं है, ठीक है, ये आप मान रहे हैं कि चुनाव प्रचार नहीं चली क्योंकि राजस्थान को संभाल नहीं पा रहे हैं। श्वेता जी, श्वेता जी हो रही है, श्वेता जी की बौखलाहट है, उसको दबाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नौरत गुर्जर जी, नौरत गुर्जर सारा आपके कहने से कोई अराजकता नहीं हो रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं पपला का अपने घर पे होगा। देखो श्वेता जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे वोटर नहीं है, और वो जो अमेरिका जाकर के ह्यूस्टन के अंदर ये बोला उन्होंने, वहाँ पर जो 50,000 थे वो NRI थे, 50,000 वहाँ अमेरिकन वोटर थे, उनका वो सारे जोश, उनका और वहाँ पर 2020 में चुनाव होने पर वो खुशी, आप इसको कुछ नहीं मान रहे, आप उनको अमेरिकन मान रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपका मत, ये आपका मत है, चलिए वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक लाइन कही कि अब की बात ट्रंप सरकार, इसे लेकर गलत माना जा रहा है, और कहना यह है कि विदेश नीति का उल्लंघन। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चिंतित इस बात को लेकर है कि अगर ये आने वाले वक्त में ऐसा होने लगा कि दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष आकर हमारे इंटरनल मामलों में दखल देंगे तो ये कितना चिंतनीय होगा, क्या ये सही होगा, और इससे लेकर भी तर्क वितर्क भी हो रहे हैं, इसे लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, कोई समर्थन में है तो कोई अगेंस्ट में है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ये मान रही है कि कोई चुनाव प्रचार ये नहीं था, जबकि कांग्रेस की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से भी मानना ये है कि ये विदेश नीति का उल्लंघन है। हालांकि ये डिबेट का विषय है, चर्चा भी है, अपने अपना मत हमारे साथ जो जुड़े थे मेहमान उन्होंने भी रखा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये सिर्फ प्रचार नहीं था, सिर्फ एक वाक्य उन्होंने कहा था, और जिस तरह से अमेरिका के बीच में मौजूद थे, अमेरिकन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 50,000 से ज्यादा भारतीय थे, हालांकि कहना इनका यह है कि अब वो अमेरिकन हो गए, हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी नए बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, कि आने वाले वक्त में दूसरे देशों की बात करें या फिर अपने देश में होने वाले चुनाव की बात करें, उस वक्त भी क्या इस तरह का कोई तस्वीर देखने को मिल सकती है, ये एक अहम सवाल जरूर रह जाता है। चलिए शिक्षा बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है, नमस्कार।